हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोंट स्ट्रीम। आज का टॉपिक है कि हमारे पपीज़ को सुसु पोटी का ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। इस ट्रेनिंग के लिए पहले हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब आप उनको खाना देते हैं, कब उनके साथ खेलना होता है, क्योंकि खाना देने के बाद या खेलने के बीच में या खेलने के बाद उनको सुसु पोटी आने का चांसेस है, तो हमें उसके लिए ना ध्यान रखना होगा। मे बी एक वीक या टू वीक लग जाएंगे उनको ट्रेन करने में, लेकिन बाकी सारे ट्रेनिंग की जैसे नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, तो हमें ध्यान देना होगा। हमने जोजो को वॉशरूम के अंदर ही ना सुसु पोटी का ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि बाहर लेकर जाना हर वक्त इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप लोग फ्लैट में पपीज़ को रख रहे हो तो वॉशरूम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। बहुत सारे लोग बाहर लेकर चलते हैं ना, इनका नेचुरल कॉल है तो बाहर वो लोग करवा लेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि आप वॉशरूम यूज़ करो, क्योंकि रात को भी अपना आपके पपीज़ आकर वॉशरूम में कर लेंगे तो ईजी होगा। पपीज़ मैट में करते हैं ज़्यादातर, तो आपको ये करना होगा कि मैट को वॉशरूम के अंदर जाकर रखो, तो ये लोग स्निफिंग करके आ जाएंगे। थोड़े दिन के लिए बाकी सारे मैट्स को आप लोग फोल्ड करके रखें और एक मैट ही अपने वॉशरूम में रखें, वहाँ पर वो लोग आ जाएंगे सूंघकर और वहाँ पर ही वो लोग करेंगे। जब भी करके बाहर आएंगे तो आपको रिवार्ड के तौर पर ट्रीट देना होगा और प्रेस भी करना होगा, दैट इज़ मस्ट। हमने बहुत सारे तरीके ट्राई किए थे, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वन, तो लगा आपके साथ शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंस। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।